दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक 8173 IC का किट है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वर्टिकल लाइन, इसका जो मेन IC है वो भी एकदम ओके है और इसका वर्टिकल IC जो है ये भी ओके है और इसके जो रेगुलेटर हैं ट्रांजिस्टर उन पे भी सप्लाई 5 वोल्ट और 8 वोल्ट एकदम ओके है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम वर्टिकल IC की जो सप्लाई है उसे चेक करेंगे। ये यहाँ पर है वर्टिकल IC और यहाँ पर है इसका डायोड। तो यहाँ पर जो है अभी सप्लाई है 28 वोल्ट और यहाँ से इसके प्लस वाले पे देखते हैं तो यहाँ पर है 27 वोल्ट। और चलिए यहाँ पर वर्टिकल IC की भी सारी सप्लाई चेक कर लेता हूँ। तो 28 वोल्ट है, यहाँ पर 27 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल IC की सप्लाई जो है एकदम ओके है। अब यहाँ पर इसके बाद में हमारा जो सीधा होता है यहाँ पे ये दो रेगुलेटर होते हैं, तो इन रेगुलेटर्स की जो है सप्लाई देखते हैं। तो यहाँ पर जो रेगुलेटर है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिन पे 8 वोल्ट है, इसका जो सेंटर वाला पिन है यहाँ पर 11 वोल्ट है और यहाँ पर 8 वोल्ट है, यानी कि ये सप्लाई बिल्कुल ओके है, सही है। यहाँ पर देखते हैं इस पे 5.7 वोल्ट के समथिंग है, सेंटर वाला जो पॉइंट है इस पे 8 वोल्ट है और यहाँ पर जो है एग्जैक्ट 5 वोल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 वोल्ट के अराउंड सप्लाई है, ये भी एकदम ओके है। अब हमारे को जो है यहाँ पर वर्टिकल फॉल्ट IC वगैरह सही होता है और यहाँ पर जो हम हाथ से छूते हैं जो पिक्चर जो है ब्लिंकिंग करती है, और यहाँ से इसके बाद में यहाँ वाले पॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट एकदम ओके है। अब जो है यहाँ से ये वर्टिकल IC जो है इसकी वर्टिकल पल्स है जो यहाँ इस प्रिंट के थ्रू होके यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये यहाँ पर है और यहाँ से इसके बीच में जम्पर है, यहाँ पर इस पर रेजिस्टेंस है, ये भी मैंने चेक कर लिया है। और यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सप्लाई जो है 4.4 वोल्ट के समथिंग है, यानी कि ये वर्टिकल पल्स की सप्लाई भी एकदम ओके है। और यहाँ से जो ट्यूनर की सप्लाई आती है ये यहाँ पे 47 नंबर पिन पे मिलता है, तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं 47 वोल्ट। ये जब तक ये 5 वोल्ट का सप्लाई जो है 47 वोल्ट जो पिन है इस पे नहीं मिलेगा तो ये जो वर्टिकल सेक्शन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर यह भी एकदम ओके है। और अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो वर्टिकल की पिन है इस पे यहाँ पर 5 वोल्ट के समथिंग है और इस वाली पिन पे 1.8 है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पर जो है वोल्टेज कम है। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ कि ये जो फॉल्ट है मतलब पूरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। और ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इस जगह, तो यहाँ पर 8 वोल्ट का सप्लाई हमें मिल रहा है और ये 8 वोल्ट का सप्लाई इस रेजिस्टेंस के ज़रिए यहाँ जा रहा है और यहाँ पर 1.3 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस मुझे डाउट लगा, तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट फॉल्ट मैं मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पर जो है मैंने रेजिस्टेंस को ओपन कर लिया है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मैं मीटर से चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू कितना बताता है, तो यहाँ पर 290 के अराउंड यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है, जबकि ये 82 के रेजिस्टेंस है यानी कि 82 के का। और सेम मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस है, इसको हम चेक करते हैं, सेम कलर कोड है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल के आती है हमारे सामने यहाँ पर 80 के अराउंड आ रही है। तो ये जो चीज़ है क्लियर है कि ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाने की वजह से वहाँ पर सप्लाई जो है लो मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस इसमें लगाते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ये रेजिस्टेंस जो है इंस्टॉल कर लिया है, लगा लिया है। तो यहाँ पर जो है पहले वोल्टेज हमें मिल रहे थे 8 वोल्ट
और इसके जो जस्ट आगे वाली पिन पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट मिल रहा था, अभी यहाँ पर 3.3 वोल्ट है। तो अभी जो वर्टिकल पल्स तो पहले भी मिल रही थी, यहाँ पर 3.3 हो गई है थोड़ी बढ़ के, क्योंकि पहले डाउन आ रही थी वो इसी की वजह से थी। तो ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पर 3.3 वोल्टेज है, और यहाँ से इस यहाँ पर जाता है, और यहाँ से इस योक कॉइल पे। तो अब योक कॉइल पे देखते हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट है यानी कि 12 वोल्ट, और यहाँ पर जो है 12 वोल्ट, दोनों पिने पे 12 वोल्ट है। और डिस्प्ले पे हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है ये कैमरे में ब्लिंकिंग टाइप में नज़र आ रही है आपको, बाकी जो पिक्चर है एकदम ओके, वर्टिकल जो है फॉल्ट हमारा दूर हो चुका है। तो इस तरह से ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फॉल्ट है जो हमने इसको दूर किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।